कोई एब्सेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो. फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक. मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना. टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर. चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है. आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप. हेलो डियर कैंडिडेट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल. सो कैंडिडेट्स, आप में से बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि सर हमको एयरपोर्ट्स एनरोलमेंट लिस्ट के बारे में बताओ, एयरपोर्ट्स एनरोलमेंट लिस्ट के बारे में बताओ. ठीक है, हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ग्रुप सी के बारे में बोल रहे थे, ठीक है, और उसके साथ ही एनरोलमेंट लिस्ट के बारे में बोल रहे थे. तो ब्रदर, ग्रुप सी के बारे में बताऊंगा तुम्हारे लिए, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के अंदर बता देता हूं तुम्हारी एनरोलमेंट लिस्ट के बारे में ब्रदर. ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि सर 10 जुलाई को हमारा एनरोलमेंट लिस्ट आने वाला था, ठीक है, जो कि हमारा 10 जुलाई को नहीं आया और वो पोस्टपोन कर दिया 26 जुलाई को. ठीक है, यानी कि अब तुम्हारा 26 जुलाई को आएगा एनरोलमेंट लिस्ट. तो क्या सर ये फिक्स है कि हमारा 26 जुलाई को एनरोलमेंट लिस्ट आएगा? कन्फर्म है क्या? तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे भाई, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद. सो ब्रदर, सबसे पहले हम देख लेते हैं नोटिस, क्योंकि नोटिस पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो नोटिस से ही हम पूरा डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा 26 को आएगा या फिर नहीं आएगा, समझने का जरिया समझो. ठीक है, नोटिस के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है. ड्यू टू अनअवॉइडेबल एंड रीजंस बाय एंड कंट्रोल पब्लिकेशन ऑफ एनरोलमेंट लिस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटेक 02/2021 इज पोस्टपोन शेड्यूल डेट 10 जुलाई टू 26 जुलाई 2021 फॉर लेटेस्ट अपडेट प्लीज फॉलो CASB वेबसाइट रेगुलरली. दैट्स मीन गाइस, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने हिसाब से कि 10 जुलाई को तुम्हारा आने वाला था एनरोलमेंट लिस्ट, लेकिन कुछ रीजन की वजह से नहीं आ पाया, जो कि तुम्हारा 26 जुलाई को अब आ जाएगा, जो कि बिल्कुल फिक्स नहीं है. गाइस देखो, मैं साफ साफ बोलता हूँ, मेरी बातें आपको हो सकता है थोड़ी कड़वी लगें, लेकिन बात को पूरी समझो और सुनो, ठीक है, उसके बाद डिसाइड करो. हो सकता है मेरी बातें आपको कड़वी लगे. देखो यहाँ पर बिल्कुल फिक्स नहीं है, क्योंकि आगे जो एक लाइन है ना, यहाँ आगे ये लाइन पूरा मैटर ही बदल देती है. क्या लिखा हुआ है? फॉर लेटेस्ट अपडेट. लेटेस्ट अपडेट के लिए आप CASB की ऑफिशियल वेबसाइट पर डेली विजिट ऑन करते रहो, ठीक है, 26 के बाद या फिर 26 तक कभी भी डेली विजिट ऑन करते रहो. इन फ्यूचर कुछ भी अपडेट आता है तो हम यहीं पर अपडेट करेंगे. दैट्स मीन कोई फिक्स नहीं है. और देखो गाइस, इंडियन एयरपोर्ट्स काफ़ी मैच्योर है आपके एनरोलमेंट लिस्ट को लेकर, तो डेफिनेटली आपका 26 को ही आएगा, इसकी चिंता मत करो. बट एनी रीज़न कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो हर बार क्या होता है कि जब भी तुम्हारा इंडियन एयरपोर्ट्स ने नोटिस जारी किया था तो उसके अंदर कोविड वाला सेंस हमको देखने के लिए मिलता था, लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है. कारण देखो, अनअवॉइडेबल एंड रीजन वेन कंट्रोल गाइस, कंट्रोल. ठीक है, इसका मेन कि अभी 10 जुलाई तक जो था वो ये रीजन था, ठीक है, जो अभी 26 तक कर दिया है, तो 26 तक डेफिनेटली उनका ये प्रॉब्लम है वो रिसॉल्व हो जाएगा और तुम्हारा 26 को ये आने वाला है एनरोलमेंट लिस्ट. तो कन्फर्म रहो, इन फ्यूचर कुछ भी अपडेट आता है तो हम आपको जरूर से बताएंगे. तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कुछ भी अपडेट आए तो आप हमारी जो लेटेस्ट अपडेट है उससे वंचित ना रह सको, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट जो भी आएगा सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड कराएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है. और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, कुछ सजेशन हो तो कमेंट कर सकते हो, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना. ठीक है दोस्तों, तो होप यू आर डूइंग वेल. ठीक है, यानी कि अभी कुछ दूसरा वर्ड बोलने वाला था, कुछ और बोल दिया. ठीक है दोस्तों, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपसे कि होपफुली तुम इन सब कामों को करोगे. इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए. ठीक है, बाकी आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है भैया, मेरा काम तो बताना, आपको बता दिया मैंने. तो अब भैया करोगे तो तुम अपने मन की ही, चलो जो भी है देखा जाएगा, लेकिन मेरा काम तो अपडेट देना, तो मैंने दे दिया. चलो, जय हिंद, वंदे मातरम.